बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है डेफिनेट इंटीग्रल्स। इससे पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवाए थे एक्सरसाइज 3.1, 2, 3, 4 और 5 एक्सरसाइज करवाई थी। उसमें 2 से लेकर एक्सरसाइज 5 तक जो हमने क्वेश्चन किए वो थे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। आज हमने पढ़ना है डेफिनेट इंटीग्रल्स। डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स वो इंटीग्रल्स होते हैं जिनके साथ इंटीग्रेशन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी होती है, मतलब इनके साथ लिमिट्स की वैल्यू दी होती है, तो उनको क्या कहते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल्स। आज हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स को किस तरह यूज़ करते हैं उसका फार्मूला मैंने समझाना है, इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज़ भी समझानी है। तो अगर यहाँ पर कोई इंटीग्रेशन हो ये b से लेकर a तक और ये f of x और यहाँ पे d of x, इसको कहते हैं अपर लिमिट, इसको क्या कहते हैं? लोअर लिमिट। अगर ये फंक्शन हो phi of x के बराबर हो तो इसमें क्या करना है, जब हम लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो पहले हम अपर लिमिट x की जगह पर रिप्लेस करेंगे, फिर x की जगह पे लोअर लिमिट माइनस x की जगह पे क्या पुट करेंगे? लोअर लिमिट। अब अगर ऐसे इसको लिख लें फाई ऑफ b प्लस सी माइनस फाई ऑफ a माइनस c, तो ये और ये c क्या एक प्लस का एक माइनस का, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो फंक्शन आ जाएगा फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a, तो अपर लिमिट माइनस एक्स की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर क्या पुट करेंगे? लोअर लिमिट। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो एक डेफिनेट नंबर आएगा। क्या आएगा? डेफिनेट नंबर आएगा, इसलिए इसको कहते हैं डेफिनेट नंबर आएगा, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल्स। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं क्योंकि इसका इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा एक डेफिनेट नंबर आएगा, इस वजह से उसको हम क्या कहते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो अब हम इसकी करने जा रहे हैं जी स्टूडेंट, अब हम कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, वो टोटल 8 हैं। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है? अगर लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो तो इसका जो आंसर होता है वो किसके इक्वल होता है? जीरो होता है। क्यों? अगर इसकी एग्जाम्पल कर लें, अगर यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू सेम है एफ ऑफ एक्स और ये डी ऑफ एक्स, तो जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा कोई एफ ऑफ एक्स, मतलब फाई ऑफ एक्स फंक्शन है, तो इसकी लिमिट जब इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? फाई ऑफ वन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये प्लस की माइनस की कट जाएगी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के। यही कहता है फार्मूला कि अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो, फंक्शन यहाँ पे जो मर्जी हो उसका आंसर क्या आएगा? इक्वल टू जीरो आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी, सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या कहती है कि अगर एक अपर लिमिट हो और यहाँ पे एक लोअर लिमिट हो एफ ऑफ एक्स डी हो, अगर इस लिमिट को, अपर लिमिट को और लोअर लिमिट को हम इंटरचेंज कर दें, इनकी जगह आपस में तब्दील कर दें, अपर लिमिट लोअर की जगह पे रख देंगे और लोअर लिमिट अपर की जगह पे लगा रख दें, तो यहाँ पे माइनस आएगा और ये आ जाएगा ए बी एफ ऑफ एक्स और ये डी एक्स। एग्जाम्पल इसकी क्या कहती है? अगर यहाँ पे हो 3 और यहाँ पे 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो, तो अगर हम इसकी लिमिट को उलट कर दें तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये 2 और यहाँ पे 3 और ये एफ ऑफ एक्स और ये डी एक्स, तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टीज इसकी क्या कहती है कि अगर डेफिनेट इंटीग्रल्स में एफ ऑफ एक्स के साथ कोई कांस्टेंट हो, एफ ऑफ एक्स के साथ क्या हो? कोई कांस्टेंट हो, तो हम क्या करते हैं? कांस्टेंट को पहले लिख लेते हैं और डेफिनेट इंटीग्रल्स का यहां पे
फार्मूला लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा बी से लेकर ए तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कॉन्स्टेंट का मतलब यहाँ पे कोई 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी कुछ भी हो सकता है। फोर्थ प्रॉपर्टी इसके क्या कहती है, एक लिमिट पॉजिटिव हो एक लिमिट नेगेटिव हो यहाँ पे, तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है यहाँ पे 2 ए से लेकर 0 तक एफ ऑफ एक्स और ये डी ऑफ एक्स। अगर यहाँ पे फंक्शन हो इवन तो ये इसके बराबर होगा, ये तब होगा जब फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या हो यहाँ पे इवन हो, मतलब इवन तो आप लोग इवन और ऑड फंक्शन आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर फंक्शन इवन हो और यहाँ पे एक पॉजिटिव लिमिट हो और एक नेगेटिव लिमिट हो, लिमिट सेम हो, मतलब यहाँ पे अगर पाई है और यहाँ पे माइनस पाई है इस तरीके से, तो ये इसके बराबर होता है। अगर ये फंक्शन हो ये इक्वल टू, ये वाला फंक्शन इक्वल टू जीरो होता है इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड, अगर फंक्शन ऑड हो यहाँ पे तो ये किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। एग्जाम्पल इसकी, एग्जाम्पल इसकी क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे हो 2-2 और यहाँ पे कोई एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 2 से लेकर 0 तक और ये एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। तो यहाँ पे क्योंकि ये इवन फंक्शन है इसलिए ये इसके बराबर होगा। अगर यहाँ पे लिमिट 2 है यहाँ पे -2 एक्स और डी एक्स है, तो इसको आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जो है कौन सा है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन कैसे, अगर हम इसको सॉल्व कर लूँ यहाँ पे, इसको इंटीग्रेट करें तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2, तो इसकी लिमिट कितनी है 2 से लेकर, तो इसके लिए इंटीग्रेशन किसके बराबर है यहाँ पे, तो स्टूडेंट ये किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, वैसे मैंने कहा एक पॉजिटिव लिमिट हो एक नेगेटिव लिमिट हो यहाँ पे फंक्शन कोई हो ऑड, तो वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो x की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर ओवर 2, यहाँ पे लिमिट क्या है 2 से लेकर -2, इसको 1/2 बाहर लिख लो, अपर लिमिट x की जगह पे पहले ऊपर वाली लिमिट फिर नीचे वाली लिमिट, तो ये हो जाएगा 1/2 4-4, -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4, ये माइनस कैंसिल 1/2 0, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। जी स्टूडेंट, अगर यहाँ पे कोई पांचवी प्रॉपर्टी कह रहा है ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, अगर हम इस वेरिएबल को चेंज कर दें, मतलब एक्स की जगह पे टी रख दें, तो ये डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी, मतलब वेरिएबल को चेंज करने से इस फंक्शन पे या इंटीग्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद छठी इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर यहाँ पे हो इंटीग्रेशन 2a से लेकर 0 हो और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं 2a से लेकर 0 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये मतलब अगर यहाँ पे 2a मतलब 2a हो तो 2 को स्टार्ट में लिख लो, अपर लिमिट में सिर्फ a रह जाएगा नीचे 0 रह जाएगा, तो ये इसकी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई छठी। स्टूडेंट इसकी जो 7 प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, a से लेकर 0 तक हो यहाँ पे लिमिट एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो, मतलब अपर लिमिट कोई मर्जी जो मर्जी हो नीचे वाली लिमिट 0 हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a से लेकर 0 तक एफ ए माइनस एक्स और यहाँ पे डी एक्स, तो ये इसके बराबर है। इसका सोल्यूशन और इसका सोल्यूशन आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जी स्टूडेंट इसकी जो प्रॉपर्टी नंबर 8 है वो किस तरीके से है, अगर यहाँ पे एक अपर लिमिट बी है यहाँ पे लोअर लिमिट ए है एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे सी ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा बी सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये कब बराबर होता है। जी स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी हम लोग तब यूज करते हैं जब a लेस देन c और लेस देन
बी, मतलब सी की वैल्यू बी से कम हो और ए की वैल्यू सी से कम हो, तो इस एक्स में से हम लोग वैल्यूज निकालते हैं। इस तरह के मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर आप लोगों को आगे समझा दूंगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये वाली प्रॉपर्टी थी जो आप लोगों ने इनको याद करना है, ये फिर एक्सरसाइज में यूज हो सकती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी थी जो मैंने आप लोगों को समझाई। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे 3.6, उसमें हम कौन सा फार्मूला लेके जाएंगे, ये डेफिनेट इंटीग्रल्स का फार्मूला, मतलब बी से लेकर ए तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो तो हम उसको कैसे पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट, फिर क्या पुट करते हैं एक्स की जगह पे, इंटीग्रेट करने के बाद उसमें हम क्या पुट करते हैं, अपर लिमिट, और क्या पुट करते हैं फिर फंक्शन में एक्स की जगह पे लोअर लिमिट। इसमें हम प्लस सी नहीं लगाते, वो मैं आप लोगों को डेफिनेट इंटीग्रल्स का पहले फार्मूला प्रूव करके समझा चुका हूँ।